नमस्कार, तेज देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं श्याम सुंदर। विकास दर और सरकार की साख सुधारने की जिम्मेदारी में लगे वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा है कि वो उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से सरकार आर्थिक सुधारों की दिशा में तेजी से काम कर रही है, उसी दिशा में रिजर्व बैंक भी काम करे। उनका कहना है कि सरकार ने आर्थिक सुधारों की गति बढ़ाकर वित्तीय घाटा कम करने के लिए कई अहम फैसले किए हैं। वैसे में रिजर्व बैंक से भी उम्मीद की जाती है कि वो भी ब्याज दरों में कटौती करे। सरकार ने आर्थिक सुधारों की दिशा में कई अहम फैसले किए हैं, लेकिन इसके बावजूद 17 सितंबर को मौद्रिक नीति की समीक्षा में रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में कोई कटौती नहीं की और ब्याज दर 8% पर बनी रही है। वित्त मंत्री की टिप्पणी पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं आई हैं। कुछ जानकारों का मानना है कि वित्त मंत्री को रिजर्व बैंक पर दबाव बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन कुछ जानकार मानते हैं कि विकास दर को तेज करने के लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं, उसके मद्देनजर रिजर्व बैंक अगर ब्याज दरों में कटौती करता है तो इससे अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। इस पूरे मसले पर विस्तार से चर्चा के लिए देश देशांतर में भी कुछ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हैं प्रोफेसर भानुमूर्ति जी, आर्थिक मामलों के जानकार हैं। इसके अलावा एस नारायण, पूर्व वित्त सचिव, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैथिली कंसल्टिंग एडिटर हैं इकोनॉमिक टाइम्स की, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। एस नारायण जी, आपके साथ देश देशांतर में चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी, माफ कीजिएगा, वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने जो बात कही है कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में अगर कटौती करता है तो इससे अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा, कितना दम है उनके इस तर्क में? देखिए, ऐसा है कि आर्थिक सुधार और हमारे जीडीपी ग्रोथ के लिए एक्शन बाय रिजर्व बैंक और एक्शन बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री दोनों साथ साथ होने से अच्छा है। वित्त मंत्रालय तो फिस्कल मामले में इट इज इन कंट्रोल ऑफ फिस्कल डेफिसिट, इट इज इन मैनेजिंग द फिस्कल बजट, और रिजर्व बैंक मॉनेटरी पॉलिसी का अधिकारी है। पर ये दोनों संस्थाएं अपने आप इंडिपेंडेंट वर्किंग करती हैं और एक दूसरे पर प्रभाव ऐसे डालना मैं समझता हूं आवश्यक नहीं है, बट वर्किंग टुगेदर इन कन्वर्जेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे कि गवर्नमेंट शुड मैनेज फिस्कल पॉलिसी, रिजर्व बैंक शुड मैनेज मॉनेटरी पॉलिसी, और रिजर्व बैंक को गवर्नमेंट को कहना कि आप फिस्कल पॉलिसी मैनेज करें, और गवर्नमेंट को रिजर्व बैंक से कहना है मॉनेटरी पॉलिसी मैनेज करें, ये एक दूसरे पर प्रभाव डालने की कोई जरूरत नहीं है, बट मैच्योर इंस्टीट्यूशन शुड वर्क टुगेदर, ये मैं समझता जी जी। मैथिली, आपके पास आना चाहेंगे। मिस्टर नारायण ये कह रहे हैं कि वित्त मंत्री जो बात कह रहे हैं वो बात शायद सही है कि रिजर्व बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी है और सरकार जो कदम उठा रही है, अगर वो साथ साथ चले तो वो अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर बात है। लेकिन उनका ये कहना है कि वित्त मंत्री अगर इस बात से बचते, अगर वो पब्लिक डोमेन में ये बात नहीं कहते तो ज़्यादा बेहतर होता। ये सही नहीं है, क्योंकि रिजर्व बैंक एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, और रिजर्व बैंक अपनी तरह से जो सही समझता है वो नीति रिजर्व बैंक अपनाता है। देखिए श्याम सुंदर जी, ऐसा है कि हर देश में जो सरकार है और जो सेंट्रल बैंक है, उन दोनों की दिशा, ब्रॉड दिशा तो एक ही हो सकता है। को दोनों यही चाहते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हो, देश की भलाई हो, तो इसमें तो कोई अंतर नहीं है। लेकिन ये है जो टाइम फ्रेम जो हम कहते हैं वो कई अलग होता है। सरकार को यही चाहता है कि वो अपने इलेक्शन दोबारा जीते, अगर वो पावर में है तो पावर में रहें, और अगर इलेक्शंस पास आ रहे हैं, जैसे अभी हमारे यहाँ 2014 में इलेक्शन आ रहे हैं, तो यही चाहते हैं कि हमको दोबारा चुनाव हम जीत जाएं। तो उनका जो टाइम फ्रेम है वो इलेक्ट्रल साइकिल के ऊपर बेस्ड होता है। लेकिन जो सेंट्रल बैंक होता है उनको तो इलेक्शन जीतने की ज़रूरत ही नहीं है, इलेक्शन की कोई
प्रॉब्लम समस्या ही नहीं है, तो ये वो देश का लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के मुताबिक वो अपना पॉलिसी फ्रेम करते हैं। तो दोनों की ब्रॉड डायरेक्शन में कोई अंतर नहीं है, लेकिन जो पेस है जो कहीं कही कही आप, आप कहीं ना कहीं ये बात कह रही हैं कि वित्त मंत्री की पॉलिटिकल कंपल्शंस हो सकती हैं और शायद उन पॉलिटिकल कंपल्शंस की वजह से उन्होंने ये बयान दिया है। हाँ एकदम, आपने एकदम सही बोला कि जो पॉलिटिकल कंपल्शंस है वो सिर्फ इंडिया में नहीं है, सारे देशों में सेंट्रल बैंक और इलेक्टेड गवर्नमेंट्स में हमेशा ये टेंशन रहता है। और लेकिन ये मैच्योर सरकार में क्या होता है कि फाइनेंस मिनिस्टर या ट्रेजरी सेक्रेटरी कभी नहीं बोलता कि सेंट्रल बैंक को ऐसे करो या वैसे करो, ये समझते हैं कि वो अपने स्फीयर में सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम करे, और सेंट्रल बैंक गवर्नर भी कभी नहीं बोलता सरकार को आप ऐसे करिए वैसे करिए। इंडिया में ऐसा है कि दोनों आपस में थोड़ा बहुत एक दूसरे को डायरेक्शन बोलते हैं, एडवाइस देते हैं, सोलिसिटेड अनसोलिसिटेड, लेकिन हमारे तरफ में ये क्या है कि रिजर्व बैंक इंडिपेंडेंट नहीं है, लॉ में इंडिपेंडेंट नहीं है, तो इस वजह से जो सरकार बोलता है उसको रिजर्व बैंक के गवर्नर को ज़्यादा सुनना पड़ता है। रिजर्व बैंक के गवर्नर जो बेशक जो भी बोले, सरकार को उनको सुनने की कोई मजबूरी नहीं है और सुनते भी नहीं है कई बार। जैसे रिजर्व बैंक गवर्नर बहुत टाइम से बोल रहे हैं कि अपना फिस्कल डेफिसिट कम करो, कुछ करो, अपना खर्चा कम करो, लेकिन सरकार तो बस वैसे ही कर रही है। अभी रिसेंटली सरकार ने थोड़े से कदम उठाए हैं, लेकिन ज्यादातर जिस तरह से बैलेंस ऑफ पावर हम कहें तो जरूर सेंट्रल बैंक गवर्नर इज अंडर द फाइनेंस मिनिस्ट्री, फॉर्मली उनको इंडिपेंडेंस नहीं है। मैं लौटूंगा आपके पास प्रोफेसर भानुमूर्ति। मैथिली का कहना यह है कि फाइनेंस मिनिस्टर के पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं, और जबकि एस नारायण जी कहते हैं कि उसमें कोई बहुत बुराई नहीं है जो वित्त मंत्री कह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बात तो ठीक है कि अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में चलें तो वो इकोनॉमी के लिए फायदेमंद बात होगी, लेकिन वो भी इस बात से एग्री नहीं करते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर को ये बात कहनी चाहिए थी। नो, आई थिंक द अंडरलाइंग पॉइंट दैट बोथ ऑफ देम आर ट्राइंग टू से दैट वी नीड टू रियली हैव ए परफेक्ट मॉनेटरी फिस्कल कोऑर्डिनेशन if you really wanted to have the achieving the objectives of both central bank as well as in the finance ministry. Ultimately everybody would like to see the growth is going picking up, inflation is under control. In fact even the ministry of finance will not be comfortable if the inflation is out of control. That's exactly what the central bank is doing. But if you see the objectives of the monetary policy, the growth will come actually at the very bottom. And they have three main objectives. One is controlling inflation. The second one is providing adequate liquidity to the productive sectors. And at the same time, the third one is that they would like to maintain stability in the financial markets. So the growth comes much later. So there is a tension between the inflation and growth between both central bank and the finance ministry. But at the moment, the central bank would like to control inflation, which is the core objective of the monetary policy, even at the cost of growth. डॉक्टर नारायण, प्रोफेसर भानुमूर्ति जो इशारा कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन का जो दर है अभी, वैसे में शायद रिजर्व बैंक के लिए वो संभव नहीं है जो सरकार रिजर्व बैंक से चाहती है। देखिए, इसमें दो मुद्दे उठते हैं। पहली बात यह है कि इन्फ्लेशन क्यों हो रहा है। अगर इन्फ्लेशन खाली इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है, कमोडिटी प्राइसेस पे बेसिस पर, ऑयल प्राइस या कोल प्राइस के बेसिस पर है, तो उसमें रिजर्व बैंक को ज़्यादा चिंता करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि उसके इंपोर्टेड इन्फ्लेशन के बारे में रिजर्व बैंक मॉनेटरी पॉलिसी से कोई डिफरेंस होता नहीं है। सो वो इन्फ्लेशन जो होना है वो तो होगा ही, दैट इज अ ग्लोबल फिनोमिनन। बट जो इंटरनल इन्फ्लेशन है, जो कि सप्लाई साइड गैप्स जो हो रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है, सो मॉनेटरी पॉलिसी कैन कंट्रोल दैट इन्फ्लेशन। तो इनको रिजर्व बैंक has to look carefully as the source of inflation before it looks at monetary policy. और growth ऐसा भी नहीं है कि totally growth को वो give up कर सके, कि if you tighten monetary policy to such an extent that अंदरूनी capital formation बिल्कुल ही रुक जाए और fresh investment ना हो पाए, तब खाली इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा, सप्लाई साइड सिचुएशन विल नॉट इंप्रूव एट ऑल। लेकिन क्या इस सिचुएशन में बहुत जरूरी है, क्या इस सिचुएशन में आप कह रहे हैं कि दोनों ही दो तरह की तस्वीरें हैं, लेकिन क्या उसमें कोई बीच का रास्ता हो सकता है? जो आप बैलेंस्ड रास्ते की जो बात कर रहे हैं वो क्या हो सकता है रिजर्व बैंक के लिए? ये रिजर्व बैंक को ये देखना चाहिए कि देर इज इनफ लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी, दैट इज नंबर वन। तो अभी इन्होंने जो पिछले जो कदम उठाए हैं वो लिक्विडिटी के कदम है, ये ठीक कदम है।
आगे देखना चाहिए कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है। अगर मॉनेटरी कारणों के कारणों से ये नहीं हो रहा है तो मॉनेटरी पॉलिसी ईज करना चाहिए, अगर फिस्कल कारणों से नहीं हो रहा है तब तो गवर्नमेंट के हाथ में है, और अगर दोनों के आगे अगर एग्जीक्यूटिव डिसीशंस नहीं हो पा रहे हैं जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पावर वगैरह में हो नहीं पा रहे हैं तो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी ये इसका सोल्यूशन नहीं है और रिजर्व बैंक में भी सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन जाता है फिर एग्जीक्यूटिव के हाथ में, दैट मीन्स आई वुड से प्राइम मिनिस्टर्स काउंसिल और जहां भी हो, जहां पे ये डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव प्रॉब्लम्स को सुलझाएं। सो ये मैं समझता हूं कि ये तीन लेग्स हैं, थ्री लेग्स ऑफ द ट्राइपॉड, और तीनों को साथ हम स्ट्रेंथन करने में स्ट्रेंथन करना बहुत जरूरी है। तो कुल मिला के आप कह रहे हैं कि काफी पेचीदा मामला है और लगातार इसकी समीक्षा की जरूरत है, और उसमें जो भी बेस्ट रास्ता हो सकता है चाहे वो फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात हो या रिजर्व बैंक की बात हो, लगातार उनको मॉनिटर करना पड़ेगा सिचुएशन को और उसके हिसाब से फैसले करने होंगे। मैथिली, आपके पास आना चाहेंगे, सरकार ने जो अभी आर्थिक सुधारों की घोषणा की है, कई रिफॉर्म्स पे सरकार आगे बढ़ी है, सरकार ने पॉलिटिकल रिस्क भी लिया है उस, और सरकार ने ये इस तरह के इंडिकेशंस भी दिए हैं कि सरकार आगे भी आर्थिक सुधारों में आगे बढ़ेगी, तो वैसे में जो सरकार ने कदम उठाए हैं उससे जो आर्थिक क्षेत्र में जो माहौल बना है, क्या वैसे में रिजर्व बैंक को थोड़ा सा कहिए कि कंफर्ट मिलता है, थोड़ा सा स्पेस मिलता है कि वो अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका रिव्यू कर सके और जो फाइनेंस मिनिस्टर उम्मीद कर रहे हैं उन उम्मीदों को पूरा किया जा सकता है? देखिए, स्पेस तो अभी नहीं मिलेगा क्योंकि जो सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है। जैसे उन्होंने बोला है FDI इन रिटेल, तो ऐसा नहीं है कि बोलते ही तुरंत बाहर से पैसा आएगा। तो जैसे बोला है प्राइवेटाइजेशन करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि तुरंत प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, उसमें भी टाइम लगेगा। तो रिजर्व बैंक को ये नहीं है कि तो इमीडिएटली इम्पैक्ट होगा, लेकिन ये ज़रूर होगा कि उम्मीद है कि इन कदमों का कुछ असर पड़ेगा, और जब वो असर पड़ेगा तब रिजर्व बैंक को पॉलिसी स्पेस मिलेगा। जब तक वो असर नहीं फील होता ग्राउंड लेवल पे, जब तक इकोनॉमी में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक सरकार की फिस्कल डेफिसिट घटती नहीं है, तब तक रिजर्व बैंक को मेरे ख्याल से कोई पॉलिसी स्पेस नहीं मिलती। लेकिन ये तो ज़रूर है कि उम्मीद है कि सेंटिमेंट चेंज हो जाए, सेंटिमेंट थोड़ा पॉजिटिव हो जाए, और उस वजह से रिजर्व बैंक को आगे जाने दिनों में थोड़ा सा पॉलिसी स्पेस मिल जाए। जी प्रोफेसर भानुमूर्ति, मैथिली ये नहीं मानती है कि जो अभी तक जो रिफॉर्म्स अनाउंस हुए हैं उनसे कोई बहुत ज़मीन पे कोई बदलाव आया है। वो कह रहे हैं कि पॉजिटिव सेंटीमेंट की ज़रूरत है, रिजर्व बैंक को तब स्पेस मिल सकता है, इसके रिजल्ट्स आने में अभी टाइम लगेंगे ज़मीन पे। लेकिन कुछ जानकार ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से डॉलर के मुकाबले रुपये की हालत थोड़ी सुधरी है, उससे आने वाले वक्त में ऑयल सब्सिडी जो है वो कम हो जाएगी, उससे एक तरह से इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा और वैसे में शायद रिजर्व बैंक को मौका मिले कि वो ब्याज दर में कोई कटौती कर सके। नो, आई थिंक द पॉइंट व्हाट द पैनलिस्ट आर सेइंग इज दैट यू नो RBI नीड्स टू रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट टू सम एक्सटेंट इफ यू रियली वांट टू सी द ग्रोथ हैपनिंग, बट RBI हैज बीन सेइंग फॉर क्वाइट सम टाइम दैट इंटरेस्ट रेट इज नॉट द मेजर फैक्टर in recent decline in the capital formation, and we have seen most of that capital formation in the pre-crisis period, we have seen when the interest rates were very high. So my point is that it is not just the political compulsion what made the finance minister say this. I think it's more to do with the industry lobby, who is actually lobbying for lower interest rates. But I think it's very important for the central bank to hold the interest rates until you really see some kind of developments happen in the fiscal side. And once actually in April or May, central bank actually taken whatever the budget proposal seriously and they went on cutting the interest rate by 50 basis points and they burnt their fingers. So in the sense that they really don't want to really take whatever the central government is saying. Reserve bank ka tajruba bahut acha nahi raha hai aur aisa nahi hai ki political compulsion se sirf industry ke log lobby kar rahe hain ki byaj daron mein katauti ho. Aham sawal uthaya, Dr. Narayan ke paas chalenge, lekin filhal waqt hai ek chote se break ka.
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। देश देशांतर में आज हम बात कर रहे हैं कि क्या अर्थव्यवस्था को बल देने के लिए ब्याज दर में कटौती करने का ऑप्शन रिजर्व बैंक के पास है। डॉक्टर भानुमूर्ति, प्रोफेसर भानुमूर्ति, डॉक्टर नारायण के पास जाने से पहले मैं आपसे वही बात करना चाहूंगा जो मैं पहले सवाल कर रहा था और आप शायद जवाब देना चाह रहे थे कि जो ऑयल सब्सिडी कम होने की संभावना जताई जा रही है उससे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकता है और शायद उससे रिजर्व बैंक को वो स्पेस मिले कि वो ब्याज दरों में कटौती कर सके। नो, आई थिंक द सेंट्रल बैंक विल रियली लुक सीरियसली अबाउट द गवर्नमेंट प्रपोजल ओनली व्हेन द गवर्नमेंट पॉलिसीज आर रियली bringing down the fiscal deficit. If you see the Kelkar committee in the findings last week, it's a very scary kind of a situation where mm-hmm. the fiscal deficit, actual fiscal deficit is not 5.8%, it's going to be 6.1% if you really don't do much. And regarding the subsidies that you're talking about, right now the subsidy is only not even 30% of the actual losses that oil companies are making. If you add the under recoveries, you will see that the oil subsidy is going to be much more than what the budgets are really showing. So I think it's very important for the governments to really come out clean in terms of all these under recoveries or the off budget liability that they're really showing up. And as you really rightly point out, the recent measures seems to have had some positive impact on the exchange rate. You have seen almost 3 rupees appreciation in the exchange rate. But I think it's only really the speculative component of the exchange rate that we have seen appreciating. But if you really want to see the real appreciation, you may have to wait for some more time. And I think this exchange rate appreciation to some extent will help in reducing the oil subsidy and inflation in the mm-hmm. medium term. But I think we still have a more permanent kind of a subsidy which needs to be transmitted to the public if you really want to control the fiscal deficit. Dr. Narayan, aapke paas aana chahenge. Professor Bhanumurthy ne ek bahut ahem sawal uthaya. Unka ye kehna hai ki ye sirf political compulsions nahi hai finance minister ke, jo wo ye keh rahe hain ki aarthik sudharon ko bal dene ke liye byaj daron mein katauti ki zarurat hai. Unka ye kehna hai ki ek puri industry ki lobby hai jo chahti hai ki byaj daron mein katauti ho, byaj dar niche aaye. हाँ, ये बिल्कुल मैं इससे सहमत हूँ कि इंडस्ट्री की लॉबी कई महीनों से कह रही है कि ब्याज दरों में कटौती हो, बट हमें ये सोचना चाहिए कि अगर ब्याज दरों में कटौती हो भी जाए तो इंडस्ट्री क्या तुरंत इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। हम ये जानते हैं कि कई टॉप कॉरपोरेट्स, अगर आप 100 टॉप कॉरपोरेट्स का बैलेंस शीट देखें तो उनके पास बहुत कैश है, बहुत मतलब लाखों करोड़ों रुपए का कैश उनके पास पड़ा हुआ है जो कि वो इन्वेस्ट कर नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब है कि व्हाट द इंडस्ट्री लॉबी जो देख रही है, जो चाहती है, वो सेंटिमेंट चेंज चाहती है रादर देन एनी फैक्चुअल डिफरेंस। आधा परसेंट, 1% इंटरेस्ट कम होने से दे फील दैट द सेंटिमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट विल चेंज, नॉट दैट इन्वेस्टमेंट केपेबिलिटी विल चेंज, और इन दोनों में फर्क है। और ये शायद फाइनेंस मिनिस्टर भी यही चाहते हैं कि अभी जो है थोड़ा सेंटिमेंट जो नेगेटिव है, ये सेंटिमेंट चेंज इसको ब्रिंग अबाउट किया जाए थ्रू द रिजर्व बैंक एक्शन। बट एक्चुअली आप जैसे देखते हैं कि रिजर्व बैंक को ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अब जब देखते हैं कि 2 लाख करोड़ आप सारे पावर स्टेट पावर सेक्टर का डेट है उसको रिस्ट्रक्चर किया जा रहा है, सब्सिडीज जैसे प्रोफेसर ने कहा सब्सिडीज में 30% ही डिफर, अब 70% सब्सिडीज अनकवर्ड है, फिस्कल डेफिसिट केलकर के रिपोर्ट देखिए, तो एक्चुअली बैलेंस शीट गवर्नमेंट का काफी बुरा है। तो खाली विदाउट एड्रेसिंग द फंडामेंटल, आई थिंक द अटेम्प्ट इज टू एड्रेस द सेंटिमेंट, और समझते हैं कि सेंटिमेंट एड्रेस करने से थोड़ा स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा, पीपल का मूड बदलेगा, इन्वेस्टमेंट होगा। So without tackling the real problem, they are tackling the emotional problem. ये मैं समझता हूँ। मैथिली, ये तो बिल्कुल बिल्कुल दूसरी ही तस्वीर उभर रही है जिस तरह से सरकार ने एक अपने अस्तित्व को दांव पे लगा के जिस तरह से पॉलिटिकल रिस्क लेके आगे बढ़े आर्थिक सुधारों की दिशा में, लेकिन हमारे बाकी दो मेहमान जो हैं वो जो तस्वीर पेश कर रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। और आप भी शायद इस बात से सहमत हैं कि ज़मीन पे इन आर्थिक सुधारों से ऐसा माहौल नहीं बन गया है कि उससे इन्वेस्टमेंट का माहौल बेहतर होगा और उससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। तो ऐसे में जो और करने की ज़रूरत है सरकार
सरकार को, क्या आपको लगता है कि जो अभी पॉलिटिकल सिनेरियो है सरकार अफोर्ड कर सकती है वैसे में? देखिए, फिलहाल जो कदम सरकार ने उठाया है उसको तो असर अभी तक नहीं देखा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आगे वाले दिनों में उसका असर नहीं होगा। और हमको एक चीज़ और याद रखना चाहिए कि बाकी जो वर्ल्ड वाइड में जो है, US फेडरल रिजर्व, यूरोपियन सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ जापान, तीनों ने जो क्वांटिटेटिव ईजिंग, वैसे मतलब बहुत ज़्यादा पैसा दुनिया में छोड़ा है, तो इस वजह से काफ़ी सारा पैसा, ये जो हमने देखा है पिछले हफ्ते में, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने काफ़ी सारा पैसा इंडिया भेजा है। तो इसका ये वजह ये नहीं है कि इंडिया का इकोनॉमिक फॉर्चून एकदम बदल गया है, यही है कि पूरी दुनिया में काफ़ी सारी लिक्विडिटी है, तो ये लिक्विडिटी इंडिया अभी आ रही है। तो अभी जो हमने रुपये का अप्रिसिएशन देखा वो इस वजह से है क्योंकि काफ़ी सारा पैसा बाहर से आया है, लेकिन ये जो पैसा अभी जो रुपये को स्ट्रेंथ दे रहा है वही पैसा कमोडिटी बबल क्रिएट कर सकता है। एज अ रिजल्ट हम ये नहीं कह सकते कि पूरी सिचुएशन चेंज हो गई, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि सरकार ने जो कदम उठाए हैं अभी तक वो काफ़ी नहीं है, आगे वाले दिनों में उनको और भी कदम उठाने चाहिए। लेकिन जो डॉक्टर नारायण जो बात कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे जो इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं, बिजनेस हाउसेज हैं, उनके पास पैसा है लेकिन वो अभी इन्वेस्ट नहीं कर रहे, और कहीं ना कहीं वो जो भरोसा जीतने की जरूरत है, वो भरोसे के माहौल बनाने की जरूरत है, वो इन रिफॉर्म्स के अनाउंसमेंट के बाद भी शायद नहीं आया है अभी। हाँ जी, आप मेरे से पूछ रहे थे। जी, मैथिली जी आपसे। नहीं, ऐसा है कि सरकार को, जैसे मैंने बोला, कोई भी पार्टी नहीं चाहती, उनके जो भी एलाइज हैं वो कोई भी नहीं चाहता इलेक्शन जल्दी जाते हैं, तो मेरे ख्याल से सरकार को कोई हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है कि जो भी वो कदम उठाने चाहते हैं वो उनको ज़रूर उठाने चाहिए, उससे शायद कुछ फ़र्क पड़ेगा। प्रोफेसर भानुमूर्ति, आपसे भी वही सवाल करना चाहूँगा कि ये बात बिल्कुल आप तीनों ही मेहमान इस बात पे एग्री करते हैं कि जो रिफॉर्म्स हैं उसमें अभी और आगे बढ़ने की ज़रूरत है, सरकार को आगे कदम बढ़ाने होंगे क्योंकि अभी वो ज़मीन पे वो असर नहीं है कि जिससे इन्वेस्टर का भरोसा जो है उसमें बढ़े। क्या एक तो करने की ज़रूरत है सरकार को, कौन से ऐसे और बोल्ड डिसीजंस हैं जो आपकी नज़र में सरकार को लेने चाहिए, और दूसरा जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, कितनी उम्मीद है आपको कि सरकार उस तरह के बोल्ड स्टेप्स ले पाएगी? No, I think whatever the measures they have taken in the recent period, very recent period, that shows that the current government has intentions to really do more reforms and improve the sentiments on the Indian economy and attract more private investment, both domestic and foreign investments. But I think if you see, the political compensation seems to be holding them. And now you really don't have much window for the current government to propel the growth except by reforming some of their fiscal policies. So there are many other policies which are pending for quite some time, particularly the tax reforms, both DTC and GST, and there are other sectoral reforms, particularly on the infrastructure, and as Dr. Narayanan is talking about the electricity sector, energy sector, all these things are actually this untouched areas where one, the government actually should do and try to get some kind of clarity and bring down the losses. All these electricity companies are really getting into that. I think there are many more airlines are in mess. There are many more sectors. Infrastructure is one. We really don't know what the 12th plan is talking about. Although they are saying something and the investment requirements have been really projected, but we really don't know how far they're really getting to be materialized. So ultimately, I think, as both of them said, sentiments very much needed. But at the same time, we need to see that the real sector reforms also will be taking up side by side. डॉक्टर नारायण, प्रोफेसर भानुमूर्ति ने कई सारे स्टेप्स बताए जो सरकार को शायद लेने होंगे, कई सेक्टर्स की तरफ उन्होंने इशारा किया है, तो कहीं ना कहीं हम इस नतीजे पर पहुंचते हुए नज़र आ रहे हैं कि रिजर्व बैंक से किसी तरह की उम्मीद रखने से पहले या उनको कोई नसीहत देने से पहले सरकार को और काम करने की ज़रूरत है, जहाँ तक वित्तीय घाटा कम करने की बात है। नहीं, मैं समझता हूं कि सबको एक साथ चलना चाहिए। जैसे रिजर्व बैंक की रिस्पांसिबिलिटी यह है कि जिस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की जरूरत है उस सेक्टर में लिक्विडिटी हो, अपॉर्चुनिटी हो और बैंक्स की लेंडेबिलिटी हो, तो ये रिजर्व बैंक को इंश्योर जरूर करना चाहिए।
एट द सेम टाइम सरकार को यह कहना चाहिए कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, पावर सेक्टर है, वहां पे जो भी बॉटलनेक्स हैं वो दूर किए जाएं। जैसे एक स्टेप उन्होंने जो अच्छा लिया है, डेट रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, अच्छा स्टेप है। ये कहां तक ये स्टेट गवर्नमेंट्स इसको मानकर आगे बढ़ेंगे ये हमें देखना पड़ेगा, बट फिर भी ये अपॉर्चुनिटी जो उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को दिया है बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो मैं ये समझता हूं कि अगर तीनों फाइनेंस मिनिस्ट्री और ये आई वुड से एग्जीक्यूटिव डिसीजंस और रिजर्व बैंक, ये तीनों एक साथ कदम से चलें तो जल्दी से जल्दी ये प्रॉब्लम्स, हमारी इकोनॉमी के प्रॉब्लम्स हैं, ये बिल्कुल सॉल्व हो सकते हैं। ऐसा कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है जो कि इनके बाहर है, बट सबको एक साथ चलना होगा, यही मैं समझता हूँ। मैथिली, आपका लास्ट कॉमेंट, जो बॉटलनेक्स की बात कर रहे हैं डॉक्टर नारायण, कितना आसान या मुश्किल है सरकार के लिए इन बॉटलनेक्स को क्लियर करना? देखिए, सरकार का, इंडिया जैसे देश में कोई भी सरकार को काम इतना इजी नहीं होता, लेकिन अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है देश ने आपको, तो फिर उसका पूरा आपको करना ही चाहिए, आपकी जिम्मेवारी है, तो सरकार को मुश्किल कदम ही उठाने पड़ेंगे। जी प्रोफेसर भानुमूर्ति, लास्ट कमेंट फ्रॉम यू कि अभी जो डॉक्टर नारायण कह रहे हैं कि जो बॉटल नेक्स हैं उनको क्लियर अगर कर दिया जाए, और अगर रिजर्व बैंक और गवर्नमेंट अगर साथ चलें, एक डायरेक्शन में चलें, जो फाइनेंस मिनिस्टर ने भी जो कहा था, तो ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन ये एक उम्मीद है जो डॉक्टर नारायण बात कर रहे हैं। कितना प्रैक्टिकली अगर देखें, ज़मीन पर देखें, तो कितना आसान है? No, I think one must really thank the Central Bank of India for, I mean, for the past 10 years, they are doing a wonderful job in terms of managing the liquidity or the inflation to some extent. We know that it's more of a suppressed inflation, which is not in their hands. But at the point that you asked Dr. Narayanan, I would like to answer that the RBI has much more role in enhancing the financial access. Our own study shows that the financial access for, particularly if you see the unorganized sector, both manufacturing and service sector, which is the biggest component, actually 70-80% of the firms are not really being financed by the formal financial system. And leave alone getting into financial inclusion and the microfinance institution, I think the central banks need to see that the productive agents will get access to required credit, so that they can do business. And I think central bank has been doing great job. I mean, it's only the fiscal policy which needs to be really. So, आप ये कह रहे कुल मिलाकर कि रिजर्व बैंक ने अभी तक जो फैसले लिए हैं, सोच समझ के लिए हैं, और वो कुल मिलाकर जो अभी आर्थिक हालात हैं उसमें वो सही फैसले हैं। And I think they are working under the constraints, the fiscal constraints which they have been telling for quite some time, and which has been reiterated by the Kelkar report last week. जी, तो Kelkar committee report भी ये साबित करती है कि रिजर्व बैंक अपनी सीमित साधनों में जो भी बेहतर कर सकता है, रिजर्व बैंक कर रहा है भारत के अर्थव्यवस्था के लिए। तो आप भानुमूर्ति जी आपका, डॉक्टर नारायण आपका, और मैथिली जी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया देश देशांतर में हिस्सा लेने के लिए। तो कुल मिलाकर आज हमारे सभी मेहमानों का ये कहना है कि जो सरकार ने आर्थिक सुधार शुरू किए हैं उनकी दिशा सही है, उससे सेंटिमेंट सुधरा है, लेकिन सरकार को अभी और कई बोल्ड फैसले लेने की जरूरत है। हमारे मेहमानों का ये भी मानना है कि रिजर्व बैंक और सरकार एक ही दिशा में काम करें तो ये अर्थव्यवस्था को बल देने वाला फैसला जरूर होगा, लेकिन वैसे में सरकार रिजर्व बैंक को नसीहत दे इस बात की भी जरूरत नहीं है। देश देशांतर को आज यहीं विराम देते हैं, कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार।